नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज अपने जियोग्राफी क्लास 12th का अध्याय 4 विश्व जनसंख्या संरचना अपने चल रहा था। नेक्स्ट अपना आज का टॉपिक है विश्व जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय संगठन, यानी अपने विश्व का, संसार का, जितने भी विश्व के गांव हैं, जितने भी विश्व के नगर हैं, उन नगरों की जो जनसंख्या है उसको अपने आज जानेंगे कि किस प्रकार विश्व के अंदर जो जनसंख्या की बनावट है, जनसंख्या की संरचना है, गांवों के अंदर जनसंख्या कितनी है, विश्व के नगरों के अंदर जनसंख्या कितनी है, तो विश्व की गांवों और नगरों की जनसंख्या का हम तुलनात्मक अध्ययन आज करने जा रहे हैं। तो पहले बच्चों, जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय संगठन। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पहले बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो किन कार्यों में संलग्न होते हैं। गांवों के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कृषि क्षेत्र में क्या है, अधिक लोग कार्य करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, कृषि क्षेत्र। इसके अलावा जो दूसरा अपना क्षेत्र है नगरीय क्षेत्र। तो नगरीय क्षेत्र के अंदर अपने बात करें तो गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में लोग हैं जो संलग्न होते हैं, यानी गांव के ज़्यादातर लोग क्या हैं, कृषि कार्य करते हैं, प्राथमिक क्रियाकलापों में रहते हैं, और नगरीय क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में, यानी कृषि को छोड़कर अन्य जो प्राथमिक क्रियाकलाप को छोड़कर अन्य जो क्षेत्र हैं, ठीक है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, अन्य कार्यों के अंदर जो लोग संलग्न हैं, ठीक है, वो गैर प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो हम आज गाँव और नगर के जो जनसंख्या संरचना है विश्व की, उसके बारे में चर्चा करने। तो प्यारे बच्चों, पहले अपने करते हैं विश्व नगरीय जनसंख्या, यानी संसार में अपने नगरों की बात करें, नगरों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, नगरों की जनसंख्या है, तो कुल विश्व के जो नगरों की जनसंख्या है वो कितनी है, नगरों के अंदर 50%, यानी संसार की 50% जो जनसंख्या है वो विश्व के अंदर नगरों के अंदर निवास कर रही है। यानी कुल जनसंख्या की बात करें, विश्व की कुल जनसंख्या की बात करें तो 50% जो लोग हैं वो नगरों में निवास करते हैं विश्व के, संसार के। अब बात करें कि नगरों के अंदर जो प्रतिवर्ष जनसंख्या के अंदर वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय में, निश्चित अंतराल में, ठीक है, और एक निश्चित क्षेत्र में होने वाला जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसको क्या बोलते हैं, वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। यानी प्रतिवर्ष क्या है, नगरों के अंदर जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है, तो विश्व की बात करें तो प्रतिवर्ष जनसंख्या जो वृद्धि है वो कितनी हो रही है, 6 करोड़। यानी विश्व के अंदर नगरों के अंदर प्रतिवर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 6 करोड़ बढ़ रही है। इसके बाद बात करते हैं अपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और पश्चिमी जो यूरोपीय देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जितने देश हैं और पश्चिम जो यूरोप महाद्वीप है उसका जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी जो देश है, पश्चिम में स्थित जो देश हैं, उनके अंदर नगरों में जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, 75 से लेकर 78% लोग, यानी इन क्षेत्रों में, इन दो महाद्वीपों क्या है, विश्व में नगरों के अंदर लोग हैं जो ज्यादा निवास कर रहे हैं, क्योंकि विश्व की 50% रह रही, इससे भी अधिक क्या है, 75 से 78% इन दो महाद्वीपों में, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय जो देश हैं इनमें 75 से 78% लोग हैं जो निवास कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि विश्व के अंदर, नगरों के अंदर जो नगरों की जनसंख्या है, ठीक है, उसमें उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय जो देश हैं उन देशों में क्या है, लोग अधिक निवास कर रहे हैं नगरों के अंदर। इसके बाद बात करते हैं अपने एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों की। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, ये जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप हैं, इन दोनों महाद्वीपों की बात करें तो इनमें क्या है, नगरों के अंदर 38% लोग हैं जो निवास कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी सन 1800 से लेकर सन 2000 तक का जो तुलनात्मक अध्ययन है, जो इसकी वृद्धि दर है, किस प्रकार जो जनसंख्या के अंदर, जो नगरीय जनसंख्या उसके अंदर जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को समझने के लिए हम पढ़ते हैं। सन 1800 की बात करें तो इसकी वृद्धि दर कितनी थी, 2.5% जनसंख्या थी नगरों की, और 1960 में ये बढ़कर कितनी हो गई, 35%, 1999 में कितनी हो गई, 45%, अब 1960 में ये बढ़कर कितनी हो गई थी, 80 करोड़ हो गई थी, ठीक है, और 2000 तक बढ़ के कितनी हो गई, 8 अरब। यानी सन 2000 तक विश्व में नगरीय जनसंख्या की बात करें, नगरों के अंदर लोगों की जनसंख्या की बात करें तो
1960 से लेकर 2000 तक, 1960 में जनसंख्या 80 करोड़ थी, नगरों के अंदर जो लोग रह रहे थे विश्व के अंदर उनकी जनसंख्या थी 80 करोड़, और 2000 तक बढ़कर कितनी हो गई, 8 अरब हो गई। अब इसके बाद में विश्व के जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के अंदर नगरों की जनसंख्या के बारे में अपने पढ़ लेते हैं। तो महाद्वीपों की बात करें तो एशिया महाद्वीप में नगरों में लोग कितने रह रहे हैं, 138.3 करोड़ लोग है जो नगरों के अंदर निवास कर रहे हैं एशिया महाद्वीप में। यूरोप के अंदर बात करें तो 54.6 करोड़ लोग रह रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो 39.9 करोड़ लोग हैं जो दक्षिणी अमेरिका में रह रहे हैं। अफ्रीका की बात करें तो 29.9 करोड़। ओशेनिया की बात करें तो 2.1 करोड़ लोग हैं इन महाद्वीपों के अंदर नगरों के अंदर निवास कर रहे हैं। तो ये विश्व के महाद्वीपों की नगरीय जनसंख्या है। तो एशिया में 138.3 करोड़, यूरोप के अंदर 54.6 करोड़, दक्षिणी अमेरिका में 39.9 करोड़, अफ्रीका के अंदर 29.5 करोड़, ओशेनिया के अंदर 2.1 करोड़ लोग हैं जो विश्व के अंदर नगरों के अंदर निवास करें। तो ये अपने समझा विश्व नगरीय जनसंख्या को, यानी विश्व के अंदर नगरों में रहने वाले लोगों का, लोगों की जो बनावट है, ठीक है, लोगों की जनसंख्या के परिवर्तन को उसका तुलनात्मक अपने अध्ययन बढ़ा। तो कुल जनसंख्या नगरों की कितनी है विश्व में, 50%। प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या है, 6 करोड़ लोग, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है। उत्तरी अमेरिका व पश्चिमी यूरोपीय देशों में 75-78% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। एशिया व अफ्रीका में 38% नगरों में निवास करती है। 1800 में 2.5% वृद्धि दर थी, और 1960 में 35, 1999 में 45, और 1960 से लेकर 2000 तक 80 करोड़, ठीक है, से कितनी हो गई, 8 अरब हो गई। और ये महाद्वीपों की है, एशिया महाद्वीप में 138.3 करोड़, यूरोप में 54.6 करोड़, दक्षिणी अमेरिका में 39.9 करोड़, अफ्रीका में 29.5 करोड़, ओशिनिया महाद्वीप में 2.1 करोड़ लोग हैं जो नगरों के अंदर निवास करें। इसके बाद में दूसरा अपने हैं विश्व ग्रामीण जनसंख्या, यानी विश्व के अंदर गाँवों के अंदर जो लोग निवास करें उसका अपने अध्ययन करेंगे। इसका आपके सन 2000 के अनुसार है, जनगणना 2000 के अनुसार ये आंकड़े दिए गए हैं महाद्वीपों के। तो सन 2000 के अनुसार विश्व के अंदर गाँव की जो जनसंख्या है गाँवों के अंदर, तो अपने विश्व का पढ़ रहे तो इसमें महाद्वीपों के बारे में दिया है। तो एशिया महाद्वीप में जो गाँव के अंदर लोग रह रहे हैं, ठीक है, एशिया महाद्वीप, पूरे एशिया महाद्वीप की, तो इसमें 229 करोड़ लोग हैं जो एशिया महाद्वीप में गाँवों के अंदर निवास करते हैं। इसके बाद दूसरी बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप में 48.9 करोड़ लोग हैं जो गाँवों के अंदर निवास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कितने करते हैं, 48.9 करोड़। इसके बाद में यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं, तो यूरोप के अंदर 18.3 करोड़ लोग हैं जो यूरोप महाद्वीप में निवास करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका के अंदर 12.8 करोड़ है लोग हैं जो दक्षिणी अमेरिका में निवास करते हैं, और उत्तरी अमेरिका के अंदर 7.1 करोड़ लोग निवास करते हैं। इसके बाद में ओशेनिया जो महाद्वीप है इसके अंदर 0.9 करोड़ लोग हैं जो गाँवों के अंदर निवास करें। तो ये ग्रामीण, विश्व ग्रामीण जनसंख्या है, जिसमें एशिया में 229.9 करोड़, अफ्रीका में 48.9 करोड़, यूरोप के अंदर 18.3 करोड़, और दक्षिणी अमेरिका में 12.8 करोड़, उत्तरी अमेरिका में 7.1 करोड़, ओशेनिया में 0.9 करोड़। ये लोग हैं जो विश्व के अंदर गाँवों की अंदर निवास कर रहे हैं। आज हमने जाना विश्व नगरीय जनसंख्या और विश्व ग्रामीण जनसंख्या का हमने तुलनात्मक अध्ययन समझा, कि विश्व के जो नगर हैं उन नगरों के अंदर जनसंख्या है वो कितनी है, गाँवों के अंदर विश्व के जितने भी गांव हैं उनके अंदर जनसंख्या कितनी है, उनकी वृद्धि दर क्या है, ठीक है, और इसको हमने समझा जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय संगठन। नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।